वगैरह भी देख सकते हो, दालकोला मालदा। मौसम ने भी अपना जो रुख है वो बदल डाला है और यहाँ पे क्या है, हैवी रेनफॉल जो है वो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और भाई ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अपनी गाड़ी जो है वो लोड हो गई है अगरतला के लिए, और फिर हम रात को ही चले गए। पिछले वीडियो में आप देखा था, अभी जो अपना सफ़र है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है और अभी जो अपनी लोकेशन है बिल्कुल हम बहरमपुर पहुँच चुके हैं, ये आप देख सकते हो। अभी हमें यहाँ पर अपना जो है खाना वाना हो गया, सुबह सुबह यहाँ पे चाय वाय पी है सब कुछ, और ये आप देख सकती हो। और गाड़ी में भी थोड़ा काम कर रहा था, एक एयर फिल्टर नया डाला और दूसरे जो है बैलेट लगाने थे गाड़ी में, दो बैलेट हमने अपनी गाड़ी में लगाए, ये आप देख सकते हो। तो अभी हम जस्ट नाउ यहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ पर चाय वाय पी के अपना नहा धो के सब कुछ रेडी हो के एकदम निकलेंगे हम आगे की तरफ, ये आप देख सकते हो। देखो और मौसम जो है आज बिल्कुल मौसम बढ़िया है, सो लेट अस चलते हैं, अपने जर्नी को हम कंटिन्यू रखते हैं और आप सभी दोस्तों को अपने साथ ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ होता है रास्ते में और कैसा अपना सफ़र रहेगा। ये देखो भाई, और इसी के साथ साथ ये आप देख सकती हो भाई यहाँ पे कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ख्याल से जो ड्राइवर है उनकी दोनों की डेथ हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जब सुबह सुबह हम ऐसे मंजर देख रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ड्राइवर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई ये गाड़ी जो है बिल्कुल ओवरटेकिंग में आई है और उस गाड़ी के साथ लग गई है और एक्सीडेंट हो गया। आप ये देख सकते हो यहाँ पे जाम बच चुका है बहुत ज़्यादा, तो अभी हम यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे ढाबा है। अभी यहाँ पे अपना चाय वाय हो गया, ये आप देख सकते हो अपनी गाड़ी यहाँ पे साइड में है, और यहाँ पे आप बाकी गाड़ियाँ भी देख सकते हो, वेस्ट बंगाल नंबर गाड़ियाँ। और अभी जो अपनी लोकेशन है कृष्णा नगर हम पहुँच चुके हैं, अब हमें यहाँ से खाली 4-5 किलोमीटर आगे जाना है, फिर 4 लाइन आ जाएगी हमें गवर्टी सिलीगुड़ी का रोड। और ये आप देख सकते हो भाई, एक बात है कि पाइप में क्या इनमें करना पड़ता है, इनमें मतलब त्रिपाल उपाल का टेंशन नहीं होता है बारिश का, उसकी वजह से मतलब वो टेंशन नहीं होता है। और यहाँ पे आप बाहर से भी व्यू चेक करो, खेत वगैरह कैसी है यहाँ पे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। मतलब जिस गाड़ी को उस लाइन से इस रोड पे आना होगा कलकत्ता रोड पे, वो इसी से आता है और जाता भी है सिलीगुड़ी गवाहाटी लाइन से इस रोड पे। तो फिलहाल चलेंगे हम भी आगे और पहुंचेंगे आगे 4 लाइन पे, फिर देखेंगे क्या कुछ होगा आगे, वो भी आपको दिखाएंगे। पे क्या है, बादल स्टार्ट हो गए, मेरे ख्याल से बारिश गिरेगा आज। और ये आप यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी देख सकते हो, दालकोला मालदा फराका और सिलीगुड़ी तमाम स्टेशनों के लिए यही रोड जाता है, गवाहाटी वावाटी के लिए भी। तो भाई अभी जो अपना सफ़र है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है अगरतला की तरफ, तो आज बड़े दिनों के बाद मतलब
5-6 दिन के बाद जैसे मैंने आपको कॉल पे बताया है कि माल नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से फिर बहुत दिक्कत होता है, टेंशन होता है, एक ही जगह बैठ के क्या ही करेंगे। अभी जो अपना सफ़र है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है, और अभी जो अपनी एक्यूरेट लोकेशन है बहरमपुर, हमने क्रॉस किया है आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सी जगहों पे रोड जो है वो सिंगल है क्योंकि रोड का काम चल रहा है बहुत सी जगहों पे। ये और ख़ासकर वेस्ट बंगाल में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पहले बात ये है कि ड्राइवर के पास शूज़ होना चाहिए, ड्राइवर के पास सीट बेल्ट होना चाहिए, ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए, और एसआरएन जो है वो बिल्कुल टोटली बैन है यहाँ पे। तो अब वेस्ट बंगाल को बाय करने के बाद पहुँचेंगे हम आसाम, और वहाँ पे भी देखेंगे कैसा अपना जर्नी रहेगा, और वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद फिर मेघालय, और मेघालय क्रॉस करने के बाद फिर अपना स्टेशन आएगा जहाँ का हमने माल भरा है। साथ साथ ये आप देख सकते हो मौसम ने भी अपना जो रुख है वो बदल डाला है, और यहाँ पे क्या है हैवी रेनफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ये आप खुद देख सकते हो। अब ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि मौसम ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश हो जाएगी नीचे नीचे तो ऊपर में फिर अगरतले वाला रोड जो है वो भी हमारे कश्मीर रोड जैसा ही है, उस पर भी क्या है स्लाइड वगैरह आती है बहुत सी, इसकी वजह से फिर क्या है रोड को बंद होने का खतरा रहता है। बस अब ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि अब हम निकल चुके हैं घर से, हमारे दिन भी टूट चुके हैं, अब हम सही सलामत घर वापस पहुंचने चाहिए, बस यही दुआ है और कुछ नहीं। और इसी के साथ साथ हम पहुंच गए हैं उमराबाद है इस जगह का नाम, देखो। और यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं ये आप खुद देख सकते हो, ये खाली ओवरलोड पे चलते हैं यहाँ की गाड़ियाँ, इनमें खाली क्या है रेता बाजरा यही लोडिंग होता है इन गाड़ियों में, देखो भाई। और इसी के साथ साथ भाई लोग जो अपनी गाड़ी में गैस होता है ये खत्म हुआ था, मतलब एंड हो गया था। अब थैंक्स इन भाइयों के लिए, मतलब जितना थैंक्स करेंगे उतना काम है, क्योंकि हमने उनको बोला कि हमारे पास HP गैस है तो इसने मना नहीं किया, बोला वरना हम ऐसे नहीं बेचते हैं एक दो, तो इसने बेचारे ने नया गैस का जो सिलेंडर है वो दिया वहाँ से बाहर के, और अपना वाला खाली हमने उसको दिया है। तो इसके लिए भाई के लिए थैंक्स यार, अब हम इसको करेंगे। टूल में आ जा भाई, ये देखो भाई ये बिल्कुल सील्ड है, नया है, क्योंकि हमारी गाड़ियों में जो है बड़े बड़े सिलेंडर रहते हैं, हम छोटे नहीं रखते, इसमें रसा वसा सब कुछ फिक्स है। चलो भाई हाँ करते उसको फिक्स, देखो। और मौसम भी देखो भाई कैसा है, अभी जो है बारिश यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन मौसम भी बदल चुका है, चेंज हो चुका है, थोड़ी ठंड हो चुकी है, सर्दी हो चुकी है। अब ये रोड जो है ये डायरेक्ट सिलीगुड़ी गवाहाटी के लिए जाता है, तो फिलहाल हम इसी रोड पे चलेंगे कंटिन्यू। और भाई इसी के साथ साथ जो अपना सफ़र है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है, और अपनी लोकेशन जो है बिल्कुल हम फराका पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है फराका, हमने क्रॉस किया है। अब यहाँ से क्या मालदा जो है वो खाली 36 किलोमीटर है यहाँ से, तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे पुल कितना लंबा है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा पुल है लंबा, और नीचे आप देखो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे ये देख के ये पुल वगैरह, और हमने सोचा कि आप दोस्तों को भी हम दिखाएंगे, और ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहिए कि मौसम जो है फिर से ठीक हुआ है, बारिश रुक गई है भाई, ये आप देख सकते हो। ये देखो कितना लंबा पुल है, मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर लंबा पुल है ये, और ये जो है ट्रेन भी इसी के साथ साथ चल रही है, ये आप खुद देख सकते हो भाई।
और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कल हम वेस्ट बंगाल को बाय करेंगे और उसके बाद हो जाएंगे एंटर आसाम में। और इसी के साथ साथ अपने खाने पीने का भी इंतजाम हो चुका है। भाई ने बोला कि आज हम लाएंगे सब्जी, एक सब्जी पकाएंगे। तो फिलहाल हमने लाया है मटर, गाजर और प्याज, और उसके साथ लाया है गाजर। आप देख सकते हो भाई कितना ब्यूटीफुल व्यू है मोर का। फिलहाल जो अपनी लोकेशन है बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं बहरमपुर। तो अब यहाँ से अपना सफर जो है वो रह गया है 93 किलोमीटर। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि दो दिन के बाद हम पहुँच जाएंगे अपनी लोकेशन पे, मंजिल पे। सो करते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट और चलेंगे अभी। क्या कुछ होगा, कैसा मौसम होगा, अगर धुन होगा तो फिर सो जाएंगे रास्ते में ही, अगर धुन नहीं होगा तो फिर हम चलेंगे आज थोड़ी देर तक। देखो भाई अभी हम जस्ट नाउ यहाँ से निकल चुके हैं। और इसी के साथ साथ करेंगे आज के इस प्यारे से वीडियो व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।